सो व्हाट्सएप गाइस फाइनली आ चुका है द केरला स्टोरी का ट्रेलर, और इसके जो मुख्य किरदार निभा रही है हमारी जानी मानी एक्ट्रेस आदा शर्मा जी। तो चलिए इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए ट्रेलर को देख लेते। शालिनी उन्नी कृष्णा, ए हिंदू फ्रॉम केरला। टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईएसएस? ये स्टोरी को भेज थे केरला का जीएस पर। आईएसएस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। आदर्श माता हमेशा से बेस्ट एक्ट्रेस से ही इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ओके, मैं इस बात पे कुछ बोलूंगा नहीं। एक गरीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंड ओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? तो हिंदू थी ना। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। केरला में बहुत बुरा हुआ भाई। खैर घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini, please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। ओके, 5th मई को रिलीज डेट है इसका। सो ये ट्रेलर देख के तो दिमाग वैसे भी बौखला रहा है कि लोगों के साथ कैसा जुलूम हुआ है वहां पे। मैं ट्रेलर देख के वो समझ सकता हूँ कि मतलब अगर ट्रेलर देख के ऐसे दिमाग खराब हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये सब हो रहा है, तो असल में मूवी कैसा होगा। तो चलिए 5th मई को मूवी रिलीज होगा और आप जाइए मूवी देखने के लिए, और तब तक के लिए ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और शेयर मारो, सब्सक्राइब करो शेयर मारो, तब तक के लिए।